जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने जीवन में संतों जैसा प्रभामंडल प्राप्त किया। इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद वे 1974 में सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा हो। नमस्कार, मैं हूँ रानी सिंह और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। आज हम उनकी पुण्यतिथि में जेपी के आदर्शों भरे महान जीवन की यात्रा पर प्रकाश डालेंगे। लोकनायक जयप्रकाश जी की समस्त जीवन यात्रा संघर्ष तथा साधना से भरपूर रही, उसमें अनेक पड़ाव आए। उन्होंने भारतीय राजनीति को ही नहीं बल्कि आम जनजीवन को भी एक नई दिशा दी, नए मानक गढ़े, जैसे भौतिकतावाद से अध्यात्म, राजनीति से सामाजिक कार्य तथा जबरन सामाजिक सुधार से व्यक्तिगत दिमाग में परिवर्तन। वे विदेशी सत्ता से देसी सत्ता, देसी सत्ता से व्यवस्था, व्यवस्था से व्यक्तिगत में परिवर्तन और व्यक्ति में परिवर्तन से नैतिकता के पक्षधर थे। वे समुचे भारत में ग्राम स्वराज्य का सपना देखते थे और उसे आकार देने के लिए अथक प्रयत्न भी करते थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ उनका विवाह अक्टूबर 1920 में हुआ। प्रभावती विवाह के उपरांत कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए। जब वे अमेरिका से लौटे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। उनका संपर्क गांधी जी के साथ काम कर रहे जवाहरलाल नेहरू से हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में गांधी, नेहरू और अन्य कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत में अलग अलग हिस्सों में संग्राम का नेतृत्व किया। अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक के जेल में भेज दिया गया। यहाँ उनकी मुलाकात मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, एन सी गोरे, अशोक मेहता, एम एच दांतवाला, चार्ल्स मास्कोरे हंस और सी के नारायण स्वामी जैसे उत्साही कांग्रेस नेताओं से हुई। जेल में इनके द्वारा की गई चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया। सीएसपी समाजवाद में विश्वास रखती थी। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया तो जेपी और सीएसपी ने इसका विरोध किया। 1939 में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व रोकने के अभियान चलाए। टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करा के यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस्पात ना पहुंचे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच सुलह का प्रयास किया। उन्हें बंदी बनाकर मुंबई की आर्थर जेल और दिल्ली की कैंप जेल में रखा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे आर्थर जेल से फरार हो गए। आज उनके सम्मान में ऐसी कई तरह की स्मृतियां बनाई गई है। उन्हें भारत रत्न, राष्ट्रभूषण सम्मान, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये थी एक संक्षिप्त जीवनी जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर। आज उनकी पुण्यतिथि पर जेके न्यूज नेटवर्क उन्हें शत शत नमन करता है। ऐसे ही बड़े दिग्गजों की जानकारी के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।